नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आखिर तक नहीं झुके ममता बनर्जी के सामने रतन टाटा। हम बात कर रहे हैं सिंगूर और हम बात कर रहे हैं नैनो प्लांट की। क्या कुछ हुआ था उस समय, किस तरह से ममता बनर्जी के सामने अंत अंत तक डटे रहे रतन टाटा और फिर वहां पर प्लांट भले ना लगा पाए लेकिन उस सपने को साकार उन्होंने जरूर किया। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, आज उन्हें याद किया जा रहा है, उनके कामों को, उनके उन्होंने जो एक विज़न देखा खासतौर पर भारत के लिए, और कहते हैं हमेशा कुछ नया लेकर आते थे। और जब नैनो गाड़ी, जो कि लखटकिया गाड़ी भी कही जाती थी, जब उसका सपना उन्होंने देखा तो सिंगूर को उन्होंने चुना, लेकिन वहां पर जो कुछ हुआ जरा आज हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से वो अंत अंत तक ममता बनर्जी के आगे नहीं झुके। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, रतन टाटा जी ने सपना भी देखा और उसे पूरा भी किया और उसके लिए वो ना ममता बनर्जी के आगे ना किसी और के आगे झुके। देखिए, वो 18 मई 2006 की बात है जब ये अनाउंसमेंट किया गया था कि सिंगूर में नैनो जो है प्लांट लगाया जाएगा। लेकिन उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य वहाँ के CM थे वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद ममता बनर्जी ने इस प्लांट के खिलाफ जो है वो पूरा एक आंदोलन छेड़ दिया, और उसके बाद में फिर जो है इसे गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन जो नैनो बनाने का सपना था वो रतन टाटा ने छोड़ा नहीं और उसे पूरा किया। आज हमको आपको बताएंगे कि कैसे इसके लिए उन्हें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। देखिए, 2006 में विधानसभा चुनाव होते हैं पश्चिम बंगाल में, और उसमें वाम मोर्चे को जबरदस्त जो है वो बहुमत मिलता है, जीत हासिल हुई। उसके बाद जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब इसी समय जो है वो टाटा मोटर्स को नैनो लगाने के लिए, नैनो अपनी कार के लिए प्लांट की तलाश थी, कि जमीन की तलाश थी कि कहाँ पे जो है वो प्लांट लगाया जाए। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने बात होती है टाटा मोटर्स की, पश्चिम बंगाल सरकार से बात हुई और वहाँ पे प्लांट लगाने के लिए 997 एकड़ ज़मीन जो है उसका अधिग्रहण करने का फैसला किया सरकार की तरफ से। ये ज़मीन जो थी वो सिंगूर में थी। अब आप देखिए, जो कोलकाता से 90 मिनट की दूरी थी सिर्फ, उसकी 90 मिनट का ड्राइव था, खड़गपुर से एकदम करीब थी जहाँ IIT जैसा संस्थान है। आप उसकी लोकेशन देखिए, हल्दिया जो पोर्ट है यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर था। अब आप सोचिए, अगर वहाँ, आप तो खैर उसी इलाके से आती हैं, आप सोचिए वेस्ट बंगाल में अगर लग गया होता तो तस्वीर ही बदल गई होती, तस्वीर बदल गई होती। और आज उसका कहीं ना कहीं खामियाजा सिंगूर में प्लांट टाटा का ना लगना, उसका खामियाजा वहाँ की जनता को भुगतना पड़ा। अब हुआ ये कि ये जमीन अधिग्रहण शुरू हुआ जब, तो जो वहाँ के लोकल कुछ लोग थे, जो भूमि के मालिक थे, इसमें से कुछ लोगों ने जो है उनको कहते हैं कि बरगलाया गया, या उनको जो भी जिस तरह से जहाँ से मिलिया गया, उन्होंने वहाँ पे संघर्ष शुरू किया, ऐसे आरोप लगते हैं। संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद 2007 के मई महीने तक ये विवाद जो है वो अपने चरम पे पहुंच गया, एकदम विवाद ने तूल पकड़ लिया और वहाँ पे जो है हिंसा भी शुरू हो गई। उस समय विपक्षी पार्टी जो मुख्य थी वो ममता बनर्जी उसको लीड कर रही थी, तो ये एक बड़ा एक मुद्दा था जो ममता बनर्जी के हाथ आ गया था, बुद्धदेव भट्टाचार्य और वाम सरकार के खिलाफ। और यहाँ से ये जो ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई दो राजनीतिक दलों के बीच की थी, इसके बीच उसका खामियाजा जो है वो नैनो प्लांट और ये जो प्रोजेक्ट था इसको उठाना पड़ गया था। अब इस प्लांट में साइट पर जो है वो हिंसा भड़क जाती है, वहां पे कई पुलिस ने जो है रबर की गोलियां फायर की, ऐसा बताया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ईंट पत्थर चलाए गए, मतलब मामला जो है वो बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया। उसके बाद ममता बनर्जी ने जो है वो इस प्लांट के खिलाफ जो है वो मार्च निकालने शुरू कर दिए, आंदोलन करने शुरू कर दिए, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी, धरना प्रदर्शन बहुत हुआ, तो उसकी वजह से ये पूरा मामला जो है डिरेल होने लगा अपनी जगह से। उसके बाद फिर विवादों के बाद जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया थी वो पूरी नहीं हो पाई, वो बीच में अटक गई, और उसके बाद फिर जो है अंततः जो है गुजरात के सानंद में जो है वो टाटा ने जो है अपनी वहाँ पे जमीन उनको दी गई, और गुजरात में जो है रतन टाटा ने जो है वो प्लांट लगाया, और उसके बाद नैनो जो है सफलतापूर्वक मार्केट में आई, और उसने बहुत बड़े स्केल पे लोगों के एक मिडिल क्लास का जो सपना था उसको पूरा भी किया। अब देखिए, ये एक है ना लंबा संघर्ष था, कोई भी देश का बड़ा बिजनेसमैन कहीं पे प्लांट लगाने जा रहा है, वहाँ की जमीन अधिग्रहण हो की कोशिश हो रही है, ऐसे में जो है एक प्रकार से मान लीजिए ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की तरफ से लगातार चैलेंज किया गया,
लेकिन रतन टाटा अपने विजन पे, जो उन्होंने सोच रखा था कि मुझे मध्यम वर्ग के लिए करना है, वो उस पे अड़े रहे, वो लगातार उसके लिए काम करते रहे। भले एक जगह से उन्हें शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसीलिए लोग कहते हैं कि ममता के सामने झुके नहीं, झुके नहीं ममता के सामने। और देखिए, अगर कोई उद्योगपति अपने पैसे लगाता है तो वो बड़ी सोच समझ कर लगाता है। अच्छा खासा साल उन सब चीजों में, उन विवादों में रहा, इसके बावजूद वो अपने, आप कह सकते हैं ना कि सपने से बिल्कुल डिरेल नहीं हुए। वो उस सपने को उन्होंने सोच रखा था कि अगर पश्चिम बंगाल ना सही तो कहीं और सही। और वो जो एक नैनो का सपना, एक नैनो कार का सपना, जो एक लटकिया कार जो मिडिल क्लास के लिए उन्होंने सोचा था, वो उसको पूरा किया। तो ऐसे थे रतन टाटा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यही वजह है कि जब आप पीएम मोदी जब आज उन्हें याद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि रतन टाटा न सिर्फ सपने देखते थे बल्कि उसको पूरा भी करते थे। ये आज पीएम मोदी ने जो अपना उनको एक्स पे उनके लिए कहा है, तो बिल्कुल सही बात थी। और फिर देखिए, उसके बाद फिर मामला आगे तक चला, इसमें कोर्ट की काफी कार्रवाई हुई और कोर्ट का फैसला भी आया, उनकी जमीनें जो थी वो वापस की गई। लेकिन इस मामले में ये रहा कि 766 करोड़ का आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो टाटा मोटर्स को जो है वापस दिया गया, और फैसिलिटी से संबंधित जो नुकसान था उसको मुआवजे के तौर पे वो वापस भी टाटा मोटर्स को मिला। क्योंकि समय की बर्बादी और पैसों की बर्बादी दोनों हुई। तो देखिए, रतन टाटा जो है वो इस पूरे मैटर में जो है वो कानूनी लड़ाई भी वो लड़ते रहे, वो जो है ग्राउंड पे भी जो है उन्होंने अपना विजन जो है वो उसको पूरा किया, उसे लोगों के लिए, वो जो देश के मध्यम वर्ग के लिए जो सपना उन्होंने देखा था वो भी उन्होंने पूरा किया। तो एक प्रकार से जो ये जो आप कह रहे थे कि ममता बनर्जी के सामने झुके नहीं, तो रतन टाटा शायद इसी का नाम रतन टाटा था, यही बिल्कुल उनके नाम का मतलब था। इसलिए भी याद कर रहे हैं कि रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं है, आंखें नम है, दिल गमगीन है, लेकिन जो उन्होंने किया और जो जज्बे के साथ वो कोई चीज ठान लेते थे, करते थे, आज उसको एक तरह से कहते हैं कि उस चीज को याद करने का दिन है। और अगर नैनो गाड़ी की बात की जाए, कार की बात की जाए, तो हम आपको ये भी बता दें कि नैनो का सपना आखिरकार रतन टाटा ने क्यों देखा था। मुंबई की सड़क पर एक बार बरसात के दिनों में जब जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक स्कूटर पर मिडिल क्लास फैमिली, जिसके आगे एक बच्चा खड़ा था, स्कूटर के जो व्यक्ति था वो स्कूटर चला रहा था, पीछे उनकी पत्नी बैठी थी और उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। बारिश और फिसली सड़क पर वो लोग इस तरह से जा रहे थे और बड़े जान जोखिम में डालकर जा रहे थे। तब रतन टाटा को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मिडिल क्लास के लिए कोई ऐसी गाड़ी, कोई सेफ ऐसी गाड़ी नहीं बनाई जा सकती जिसमें कम पैसे में वो इस पर सवारी कर सके और अपनी फैमिली को महफूज रखे। तो वहाँ से रतन टाटा ने नैनो का सपना देखा, और जो आज किस्सा हमने आपको सुनाया उससे आप समझ सकते हैं कितने विजनरी थे रतन टाटा। और उन्होंने सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं, हर एक क्लास के लिए काम किया। इतनी सारी कंपनियाँ थी मयंक, और हर कंपनी ने अपना पूरा योगदान देश के लिए दिया। उनकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान टाटा ग्रुप का। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि देश के विकास के लिए रतन टाटा ने अपना पूरा जीवन लगाया, और अपनी कंपनी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, देश की जनता के लिए, देश की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। बिल्कुल, तो हमारी तरफ से रतन टाटा को एक बार फिर से बहुत नमन, और हम उनके जो किए गए कार्य हैं उनको हमेशा याद रखेंगे।